नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। ये तस्वीर पश्चिमी दिल्ली के विष्णु गार्डन वार्ड की है और ये है इलाके में सैनिटाइजर का छिड़काव करते सौरभ खरवाल, जिनके पिता सतपाल खरवाल पाली की 3 मई को देहांत हो गया था। कल उनकी 13वीं थी और उनके इकलौते बेटे ने कोरोना से लोगों को बचाने का फिर से अभियान शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पिता भी कोरोना से लोगों को बचाते बचाते कोविड की चपेट में आ गए थे। आपको बता दें कि सतपाल खरवाल पाली विष्णु गार्डन वार्ड से पार्षद थे, जो 16 अप्रैल को पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद उनका इलाज LNJP में शुरू हुआ, फिर वहां से आकाश हॉस्पिटल द्वारका में लाए गए। यहां कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद वो जिंदगी की जंग 3 मई को हार गए, लेकिन लोग उनके द्वारा किए गए काम को याद कर रहे हैं और इसीलिए आप उनके बेटे की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। सौरभ खरवाल का कहना है कि उनके पिता का आशीर्वाद और जनता का प्यार है कि वो अब पिता के अधूरे काम को पूरा करने के लिए निकले हैं। पिछले कोरोना की फर्स्ट वेव में हमारे फादर साहब पहले ही दिन से सारी जगह सैनिटाइज करा रहे थे, जनता के बीच में थे। इस बार ईश्वर की कृपा हम पे रही नहीं रही। दूसरी वेव में हमारे पिताजी इस बार शुरुआत में ही कोरोना से ग्रस्त हो गए और कल ही मैं उनकी 13वीं करके आया हूँ और पता नहीं उनका आशीर्वाद है या जनता का प्यार कि कल ही हमने उनकी 13वीं करी और आज 14वें दिन हम लोग जनता के बीच में अपने निगम के कर्मचारियों के साथ सैनिटाइजर का कार्य दोबारा से शुरू कर चुके हैं। और आज हमने लगभग ख्याला ए ब्लॉक पूरा, ख्याला बी ब्लॉक, रवि नगर, चांद नगर हमने पूरा सैनिटाइज कर दिया है। तो हमारे सतपाल पाली जी थे, आज उस दुनिया में नहीं रहे, तो हम उनके जो उनके साथ चलते थे, आज दोस्ती आ गई थी। भी एक एक घर में बंदा रो रहा था, वो कह रहा था भाई हमारे निगम पार्षद तो नहीं रहे तो अब गाड़ी कैसे चलेगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उनके सपुत्र जी बैठे हैं, इस टाइम वो चलाएंगे। तो मगर जो है आज पूरे महीने कोरोना के दौर में, पिछले साल भी उन्होंने जो एक दिन घर पे नहीं बिताया, आज जो है उनके सपुत्र सौरभ जी ने शुरुआत शुरू कर दी है, हम उनके साथ कंटिन्यू रहेंगे। हमारे ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहे NN News दिल्ली NCR।